मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। इन चारों राज्यों में से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। हैरान करने वाली बात यह है कि बीजेपी इन तीन राज्यों में ऐसे समय में सरकार बनाने जा रही है जब बीजेपी के पक्ष में कोई खास लहर नहीं दिख रही थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने भी बीजेपी से इस प्रदर्शन की कल्पना नहीं की थी। माना जा रहा था कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी या फिर इन राज्यों में करीबी टक्कर रहेगी, लेकिन बीजेपी के अंडर करंट में कांग्रेस धुलती दिख रही है। ये सब कैसे हुआ, आइए समझते हैं। माना जाता रहा है कि लोग चुनाव में पार्टी से ज्यादा चेहरे के आधार पर वोट करते हैं। प्रदेश की कमान किसके हाथ में सौंपनी है, वहां की जनता अक्सर इसी आधार पर पार्टी का चुनाव किया करती है। लेकिन बीजेपी ने तो इन राज्यों में सीएम फेस का ऐलान भी नहीं किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि इन राज्यों में मोदी मैजिक का असर दिखा है। अब चेहरा कोई भी हो, मोदी की गारंटी काफी है। जैसा कि बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने शुरुआती रुझानों में बीजेपी की बढ़त हासिल होते देख एक्स पर एक पोस्ट में दावा भी किया। उन्होंने पीएम मोदी का एक पोस्टर शेयर किया, इसमें लिखा है, देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बंपर बढ़त के बाद इन राज्यों में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन कांग्रेस के सीएम फेस लगभग तय माने जा रहे थे। प्रदेश स्तर पर राजस्थान में अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, लेकिन इन सबको जनता ने नकार दिया। कई एग्जिट पोल्स में मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का दावा किया जा रहा था, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत अप्रत्याशित मानी जा रही है। लेकिन जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा किया। बीजेपी ने किसी प्रदेश में अपना सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया और प्रचार अभियानों में पीएम मोदी को आगे करके यही जताया कि मोदी हैं तो मुमकिन है। बीजेपी का यह भरोसा सही साबित हुआ, मोदी ने सच में फिर से मुमकिन कर दिया। अब तो बीजेपी नेता भी कह रहे हैं कि जीत का भरोसा तो था, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी इसका अंदाजा नहीं था। ये मोदी मैजिक का कमाल है, उस मोदी का जिन्हें कांग्रेस पार्टी के सबसे दिग्गज नेता राहुल गांधी ने पनौती बताकर क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार की जिम्मेदारी थोपने की कोशिश की थी, लेकिन ये सब उनके उलट ही जाता दिख रहा है। बीजेपी के लिए तो मोदी मुमकिन का ही दूसरा नाम है। जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये मोदी की जीत है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।